एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक प्रोफेसर दर्शन सिंह सिद्धू पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा सच्चा तन साहिब फेज 3B1 मोहाली विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। प्रोफेसर दर्शन सिंह सिद्धू होना दा जन्म 16 नवंबर 1942 नूं पिता सरदार जोरा सिंह होना दे घर माता बसंत कौर होना दी कुखों तगता भाईका विखे होया। मुढली सिक्ख्या आप जी ने भगता भाईका तो ही प्राप्त की, उपरंत BA आप जी ने रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा अते MA पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो की। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगढ़ अते सियाने सन। अपनी पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी सरकारी नौकरी विच सन 1968 विच आए अते आप जी ने अपनी नौकरी दी शुरुआत नारंगवल लुधियाना तो की। उपरंत आप जी ने मस्तुआना विखे भी लम्मा समा नौकरी की। आप जी दा व्याह सन 1970 विच सरदारनी सुखदेव कौर हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बाखूबी निभाया। आप जी दे घर दो बच्चियां रविदीप सिंह सिद्धू अते संदीप कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। आप जी दे बेटे रविदीप सिंह सिद्धू अजकल मोहाली विखे सैटल हन अते आप जी दी बेटी संदीप कौर BDS करके आस्ट्रेलिया विखे सैट हन अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन। प्रोफेसर दर्शन सिंह सिद्धू हुणा ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दा विषय पढ़ाया अते आप जी सन 2002 विच गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर तो सेवा मुक्त हुए। आप जी दे पढ़ाए बच्चे अज उच्च औहदियां ते विराजमान हन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तैयार बर तैयार रिहा करदे सन। पढ़ाई विच होन हर बच्चियां दी आप जी हमेशा ही तय दिल तो मदद करिया करदे सन अते आप जी अपने होरां प्रोफेसर नूं भी उन्हां दी मदद करन लई कहा करदे सन। आप जी चंगी बोली अते चंगे विचारां दे धारनी इंसान सन। रिटायर होण उपरंत आप जी मोहाली अपने पुत्तर पास रहे अते इत्थे भी आप जी ने समाज सेवा करनी ना छड्डी अते हमेशा ही हर एक लोड़वंद दी आप बां फड़दे, जिन्हां दी एक मिसाल हन सरदार गुरप्रीत सिंह मलूका जिन्हां दे सिर ते प्रोफेसर दर्शन सिंह सिद्धू हुणा दी बहुत ही बख्शिश है। प्रोफेसर दर्शन सिंह सिद्धू हुणा जाए इंसान दुनिया विच विरले ही मिलदे हन। Thank you.
Oh,
Thank you.
ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਿਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵਤੇ ਫਤਿਹ ਗਿਰਧ ਕੀ ਬੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਨਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਡੂੰਘੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖ ਹੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਰੀ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਲਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਖਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦਰਾਂ ਕਾਈ ਮੇਖ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸ਼ਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦ ਅੰਦਰ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਗੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਿਆਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੇਟਾ ਸੇਵਾ ਚਰਨਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਮਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਵਕਤ ਸਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
करो रहमत पाप नुक मख्शुश करके मेर करो जी श्री गुरमुख प्यारे मेलो जरा मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे चेता हर के प्रतीन तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। बड़ी न्यारी शख्सियत प्रोफेसर दर्शन सिंह जी सिद्धू साहब उन्होंने अंतम अरदास दे विच शामिल जुड़ बैठी गुरु रूप साध सिंह जी। सब तो पहला फतेह की सांग पाई आखो गज की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो जी आया चल से सब को आई वारी है। गुरबाणी के विच सानू बड़ा स्पष्ट किया गया है कि जो मनुख दुनिया दिते आंदा उसने वारी वारी हुक्म दे विच आके चले जाना है। सो अज साडे विचों साडे मान जो सम्मान जो साडी प्यारी शख्सियत महान शख्सियत प्रोफेसर दर्शन सिंह जी सिद्धू साहब साडे विचों चले गए ने। उन्हां दे अंतम रस्मां दे विच परिवार ने गुरबाणी का वह आसरा लिया गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों के नल लग के गुरबाणी का आसरा लिया शब्द कीर्तन से सानू एक सांझी अरदास की है। सारे परिवार ने सके संबंधियों ने दोस्तों ने जदों अरदास हो जाती है उन्होंने बख्शिश हो जाता है तो एक चीज जरूर रह जाती है कि साढ़े बड़े ही एक जिंदगी का एक प्रभाव है कि जिंदगी दे विच जदों कोई मनुख जन्म लैंदा है तो अंतम पड़ाव तक एक सफलता भरपूर जिंदगी बतीत करके जाता है। तो उहदियां कुछ यादां कुछ जिंदगी दे सफल जिंदगी दीआं चंगीआं गल्लां उस परिवारां दे नाल साझीआं करदे हां जिहड़े कि पहली वार मिलदे हैं जिन्हां नूं असीं कहिंदे कि प्रोफेसर साहब दी जीवनी बारे च। सो सब तो पहले तो मैं महसूस करदा कि तन पाक मेरे कि मैनू इहो जी शख्सियत के बारे अपने बोलां राही कुछ बोलण का मौका मिलिया। प्रोफेसर साहब की जेकर जन्म की गल करिए तो प्रोफेसर साहब 1942 नवंबर 1942 जन्म होया जिन्होंने सुख के 47 का कांड भी लिखिया कि बड़ी लंबी आरजा देखी बड़े राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल पंजाब की साड़ी वो सारी उन्होंने देखी है तो सारी जिंदगी जिहड़ा सब तो वड्डा उन्होंने हिस्से कर्म आया जिसनूं असीं चंगा कर्म कहने कि प्रोफेसर साहब के जिवें गुरु का रुतबा आया अध्यापक का रुतबा आया जिहड़ा कि मैं कहना कि सब तो वड्डी कुरबानी सब तो वड्डी सेवा वाला रुतबा है। ये उन्हां दी सफल जिंदगी का पहला ही जिहड़ा है वह कर्म है कि उन्हां नूं सिक्ख्या का अनमोल कारज मिलिया। सिक्ख्या देना अपने आप दे विच बहुत वड्डा कर्म है ते प्रोफेसर साहब ने आप ही नहीं उन्हां दा परिवार उन्हां दी सपत्नी वह भी सिक्ख्या दे विच जिहड़े है वह रिटायर होए ने। सो मैं बेनती करा कि पिता सरदार जोरा सिंह दे अते माता बसंत कौर दे उन्हां दे परिवार दे विच जन्मे प्रोफेसर साहब जिन्हां दी जिंदगी दी सफलता नूं असीं जदों पाछदे हां तो साडे सामने तिन्न गल्लां सामने आउंदियां हैं। कोई भी मनुख नूं जदों असीं पाछदे हां तां उहदियां तिन्न गल्लां नाल असीं किसी मनुख दी जिंदगी दा आकलन करदे हां। पहला कि उह अपने आप दे विच शख्सियत किहो जिही सी, दूसरा अपने परिवार के किहो जिहे सी, तीसरा समाज लई किहो जिहे सी। तिन्ने गल्लां दे विच
जो असि मतलब किसी पैरामीटर से रखते हैं तो उसकी जिंदगी का अंतलन होंगे है। तो तिने पैरामीटर के उत्ते मैं सिटा पहले ही कढ़ दिया कि प्रोफेसर साहब एक अदुती शख्सियत रहे परिवार के जेकर अपनी सिक्ख्या की गल करिए कि अपने लिए की सी तो दसवीं क्लास उन्होंने एक पिंड पत्ता पाई का बठिंडा तो उन्होंने की उस तो बाद बी ए साढ़े बठिंडा रजिंद्रा कॉलेज तो की एम ए 1966 पब्लिक एड की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के उत्तों एम ए करके प्रोफेसर लग गए नारायण कुमार लुधियाना कॉलेज उस तो बाद फिर अध्यापन नारायण कुमार कॉलेज तो जो ने शुरू किया फिर अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण पड़ा वाला पड़ा जोड़ा जिंदगी का वह गुजारिया अध्यापन के कॉलेज के उन्होंने जो गुजारिया वह गुरु नानक देव कॉलेज फिरोजपुर के फिर उन्होंने पब्लिक एड की जी विषय के वजो प्रोफेसर की जी सेवा निभाई जिथे कि उन्होंने जिंदगी के बड़े प्रमुख पक्ष है जेडे वो सामने आए। प्रोफेसर साहब जो कॉलेज पढ़ाते होंगे तो उन्होंने 84 का दौर भी देखा 84 के दौर के बच्चों बड़ी सेध देने की लड़ सी बड़ा संभालने की लड़ सी तो इस दौर के भी उन्होंने जिंदगी दे अपनी जिंदगी का कर्म है जोड़ा वो नेक नीयत के रखा अनेक बच्चों जी सेध दी अज हजार बच्चे उन्होंने बचना याद करते हैं। मैं ये गल कहने कोई अर्थ नहीं कथनी नहीं कि कॉलेज जो कोई प्रोफेसर बन जाता है तो वो जिम्मेवारी समाज प्रति चार गुणा बढ़ जाती है आम विद्यार्थी नालों आम विद्यार्थी के नाल जो वाह वास्ता पैदा है तो उन्हें उन्होंने गरीबी भी देखनी है कोई गरीब बच्चा है कोई अमीर बच्चा है कोई उच्चा है कोई नीवा है कोई कोई किसी किस्म के गुणा वाला है किसी किस्म के औगणा वाला है कोई होशियार है कोई इंटैलीजेंट है कोई नलैक है ये जी फर्क होती है ये प्रोफेसर जा एक अध्यापक के हिस्से ही आती है। तो इस गल के मैं जो मैं उन्होंने बारे जाने जिन्ना क मैं पता लगे है कि प्रोफेसर साहब ने हर बच्चे की बरीकी नेड़े परख की उन्होंने सीधे रस्ते पाया ये बहुत वड्डा पॉइंट होंगे है बहुत वड्डा पक्ष होता है। दूसरी गल कि आम तौर पर असं देखते हैं कि जो बच्चे किसी भी किस्म के कॉलेज के पढ़ते पढ़ते उन्होंने नौजवानी का नवा खून होंगे कि किसी कुराहे पेंदे है ज गलत लड़ाई झगड़े च पेंदे है तो उदो आम तौर के उत्ते मैं भी एक इस गल का इलम है कि उदो आम तौर पर प्रोफेसर डर जाते हैं टीचर डर जाते हैं वो इन्होंने नहीं आते ज्यादातर अगर कोई नवेकली शख्सियत है जी उन्होंने बच्चों के नौजवानों से उन्होंने विद्यार्थियों जाके कढ़ती है उन्होंने शुमार उन्होंने ना शामिल है प्रोफेसर दर्शन सिंह जी का जिथे भी जाते सहयोग के नाल प्यार दे नाल हर बच्चे फड़ के बाह फड़ के सिरे लाने की कोशिश करते ये उन्होंने जिंदगी का बहुत वड्डा पक्ष है जिहड़ा कि उन्होंने गुरु का रुतबा दिता है महान बनाता है जिहड़ा आम व्यक्ति नालों वड्डा कर दिंदा है ये रुतबा है। सो मैं बेनती करा कि जेकर उन्होंने इस रूप तो बाद जेकर आप दूजा रूप देखते हैं कि दूसरे वास्ते मनुख कहो जाए ताजी परख असं करते होंगे कि वो संग साथ कहो जो बंद मेरे सामने शख्सियत बैठिया है उन्होंने संग साथ उन्होंने दोस्ती दिन लड़िया जो परखते हैं ना तो उन्होंने दोस्ती के इंसान ने जेडे कि अपनी जिंदगी बहुत काबल ने बहुत काबल शख्सियत बुलंदियों पर पुजे ने जिन्होंने साढ़े मानयोग सिकंदर सिंह जी मलूका साहब जो दोस्त ने उन्होंने अज माण करते हैं उन्होंने भी करते हैं असं इन्होंने करते हैं सारा पंजाब माण करता है। कुलवंत सिंह जी ऐसी साहब जोड़े बहुत प्यारे दोस्त ने इस तो बिना उन्होंने दोस्त सरदार गुरदेव सिंह जी हरदीप सिंह जी खट्टड़ा प्रोफेसर अजीत पाल सिंह जी होर मैं किन्ने कि नाम लवान बड़े ही सफलता वाले लोग जिन्होंने जिंदगी बहुत बरीकी बचाया जिंदगी सफल तरीके हंटाया। असं सारे सोचते हैं कि सफल जिंदगी जीनी चाहिए है तो सफल जिंदगी के मायने जो अर्थ समझने हो गए तो जीवन पढ़ना चाहिए जीवन सुनना चाहिए है वो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी का जिन्हें जिंदगी इन्ना प्यारा जोड़ा औरा इन्ना प्यारा जोड़ा सर्कल बने हुआ है ये उन्होंने जिंदगी के खूबसूरत बने ने।
तो इस तो बाद जेकर परिवार की गल करिए परिवार के विच बेटा रणदीप सिंह रुबी जिन्होंने सफल इंजीनियर बना के मोहाली के सैट किया अपने परिवार को सैट किया, बेटी सिद्धी जी साढ़े संदीप कौर डॉक्टर बना के आस्ट्रेलिया के सैट किया। यह परिवार की प्राप्ति है कि बच्चों को अज इस मुकाम पर पहुँचाया। तो प्रोफेसर साहब की दूरदेशी प्रोफेसर साहब की वेदना संवेदना की निशानी है। एक गल वही होंगी है कि जेकर बंदा अपने अपने बारे सोची जाता हो मैं लगता कि असं अधूरा गिणते हैं। मैंने इस गल का पता लग्या, मैं रूबी जी गल कर रहा है, मैंने उन्हें दसिया कि साढ़े पिंड साढ़िया भूआ साढ़े ताया जी उन्होंने बच्चों भी आपकी जी आपकी जी छत्र शहर रख के पढ़ाया सेध दिती अज वो भी माण करते हैं। भैन ये बड़ी वही गल है। साढ़े गुरप्रीत सिंह जी मलुका साहब बैठे है, इन्होंने कल तो लैके मैं लगातार दस रहे हैं कि जिन्ना माण ये परिवार कर रहा है जिन्ना प्यार ये परिवार कर रहा है। मैं तह दिलों मशहूर हाँ कि अपने गुरु को जिन्हों को गुरप्रीत सिंह मलुका पढ़े ने वो भी फखर मैं इस गल का चा गल दस रहे कि मैंने उन्होंने ऐ समझाया मैंने उन्होंने ऐ समझाया। ये बड़ी वही गल होती है जो कोई विद्यार्थी जो परिवार के दोस्त मान कर। सो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं एक गल महसूस करदा कि जिथे भी कितने प्रोफेसर साहब ने दोस्ती निभाई जिस भी रिश्तेदार नाल प्यार सत्कार लाया जिस भी किसी भी व्यक्ति के नाल चाहे उन्होंने सर्कल के चाहे बच्चों के नाल चाहे अपने रिश्तेदारों के नाल उन्होंने अखीर तक निभाया। ये बहुत वड्डी गल होंदी है कि एक बंदे ने पहली गल यह होंगी आम तौर पर की होंगे कि बंदे जिंदगी इन्नी फास्ट है बंदे हजारा दोस्त बनते हैं हजारा ही छड़े जाते हैं हजारा नवे बंदे आई जाते हैं। पर इन्हों की खासियत जो मैं परिवार वालों गुरप्रीत सिंह जी वालों रूबी जी वालों मिली कि जिस बंदे इन्होंने एक बारी जी दोस्ती बना ली रिश्तेदारी बना ली सांझ बना ली और फिर अखीर तक निभाया ये सब तो सिखरली जी पौड़ी है उन्होंने शख्सियत की। सो मैं कहूँगा कि जिथे समाज सेवक सन दलेर सन निडर सन जिथे प्यार सत्कार करने वाले सन ते साडे लई सफल जिंदगी का सुनेहा दे के गए ने। सो अज भैन भरा रिश्तेदार सारे बच्चे सारे दोस्त मित्र बैठे है जाना तो सब ने है क्योंकि मेरे ख्याल दे विच सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम देहो सजन सिसरिया जो हो सह सो मेल जाना सब ने है। अज अस बैठ के सारे विचार करते हैं। सो मैं परमात्मा अगे अरदास करना कि उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शे क्योंकि जो उपजा सो बिनस है जो इस धरती पर आया उन्हें एक बन जाना ही है। सो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया अज जो परिवार का धन्यवाद करेंगे अपने विचार की साझ पाएंगे साडे इलाके की साडे पंजाब की बहुत महान शख्सियत सबका कैबिनेट मिनिस्टर सरदार सिकंदर सिंह मलुका। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं सारे प्रोफेसर दर्शन सिंह जी जो परमात्मा के हुक्म के नाल ही साढ़े संसार दे विच इत्थे आए अते उन्हां दी लाई हुई ड्यूटी नूं निभा के अंत फिर गुरु महाराज के चरणों में जा विराजे ने उन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होण दे लई परिवार नाल दुख सांझा करन दे लई अते उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन लई इस परिवार के नाल नेड़ता रखण वाले सारे लोग आप इत्थे इकट्ठे होए हैं। मैं तो पहला चट्ठा साहब ने उन्हां दी जिंदगी बारे परिवार बारे तकरीबन सारिया ही गल्लां बड़ी डिटेल दे नाल खोल के दस दित्तियां ने कि प्रोफेसर दर्शन सिंह जिथे एक वधिया इंसान सन वधिया प्रोफेसर सन वधिया दोस्त सन दोस्तां दे वधिया दोस्त सन ते हसमुख सुभा दे मालिक सन। ये सारिया गल्लां बहुत घट लोगों के हिस्से में आउंदियां हुंदियां ने। वधिया इंसान होना ही बड़ा औखा काम है जिंदगी दे विच पर प्रोफेसर दर्शन सिंह ने सारिया ड्यूटियां दोस्तों वालिया भी रिश्तेदारी वालिया भी परिवारक भी ते अपने जिहड़े ड्यूटी दे फर्ज सन वह भी सारे बखूबी उन्होंने निभाए ने। जिवें दस्सिया कि लम्मा समा उन्होंने ये सर्विस करन का मौका मिलिया ते ज्यादा समा फिरोजपुर के गुरु नानक कॉलेज के उन्होंने सेवा करन का मौका मिलिया। जिंदगी दे विच आउण जाण बनिया जिंदगी का इतने समा गुजारद इंसान गुजार के चला जाता
समा पक पक करके बीत जाता, पता ही नहीं लगता कदों अंत समा आ जाता है। लगभग 80 साल की उम्र वो भोग के साथ को गए ने। इंसान के जाने तो बाद फिर जिवें आपां बैठे हैं, दोस्त मित्र साख संबंधी रिश्तेदार आसे पासे के लोग उस इंसान की जिंदगी बारे लेखा जोखा करते हैं कि इंसान इन्ना समय इतने संसार के रहा साढ़े रहा, इन्होंने लोगों के दुख सुख में किन्ना काम आए, समाज सेवा के काम किन्ने किए, धर्म कर्म के काम किन्ने किए, लोगों के भाईचारक सांझ किन्नी बिटाई, ये सारिया गलों का फिर लोग लेखा जोखा करते हैं इंसान तो जाने तो बाद। जो इंसान चंगे कर्म करके तुरुकसुद होंगे ने जाना तो सारे ने है, उन्होंने जाने तो बाद फिर लंबा समा लोग जाल करते रहते हैं उन्होंने इंसाना को चंगा इंसान से लोगों के दुख सुख में कम आने वाले से धर्म कर्म के यकीन रखते, समाज सेवा के कम यकीन रखते। सो जिंदगी परमात्मा की इमानत है, वो मर्जी ने इतने चलती है, तो मर्जी तो बिना एक मिनट भी नहीं साढ़े को इतने रहन का ज बधाने का। सो जिन्ना भी समा सू मिलता है चंगे पासे लाना चाहिए ताकि लोग सू जाने तो बाद कुछ चंगा कह, जिमें अज आप सारे प्रोफेसर दर्शन सिंह जी को चंगा कह रहे हैं, जो भी उन्होंने संपर्क में आया चट्टा साहब ने दसिया कि उन्होंने दोस्त बन गया, तो खीरले समय तीन उन्होंने दोस्त ही रहा। सो बड़ा वधिया समा बतीत करके जिवें परिवार रिश्ते भी आसे पासे दे भी अपने बच्चों भी पूरी विद्या दवा के बेटी भी बेटे भी पूरा नपुन करके तो होर भी बड़े लोगों बड़ी वधिया बहुत ज्यादा लोगों सिक्ख्या दे के चंगे पासे ला के वो साढ़े को रुखसत होए ने। जिवें दस्सिया कि गुरप्रीत सिंह भी उत्थे ही काफ़ी चिर उन्होंने को फिरोजपुर ही उन्होंने को रहन का पढ़न का मौका मिलया, ये भी बड़ा घट हों। सो एक बहुत ही वधिया बड़ा नेक इंसान साढ़े को चलिया गया, सदा भी चलिया गया, उन्होंने यादा साढ़े को पिछे रह जाएगा ने। सो अच आप सारे आए हैं, भावें परिवार सारा अपने थान से सैट है सारा, पर इंसान की घाट कदे पूरी नहीं की जा सकती। तुसी सारे आए हैं दूरों दूरों चल के, उस अपने नकले साथी अंत बधाई की अरदास के रूप में जी आप दी है। सो जिते थोड़ा सारे जी आया कहते हैं कि खुशी बना ली जाए खुशी बढ़ जाती है, जो दुख बना लिया जाए तो दुख बहुत घट जाता है। कबीरा जब हम आए जगत में जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हसे जग रोए। कहते जो इंसान इस संसार के आता है रोंदा है, बच्चा छोटा होंदा है सोचता मैं कैसे जगह के उत्ते आ गया, पता नहीं कहे जा समा बीतेगा, तो फिर इन्ने चंगे काम करके इतों रुखसुद होंदा है, चंगे वधिया काम करके चंगे वाहवा लेके इतों जांदा है। तो जो पहला पैदा होने वाले वो दोस्त रिश्तेदार साख संबंधी खुश होंगे ने कि बच्चा साढ़े घर के आया, तो वो जाने तो बाद सारे फिर रोंदे कुलांदे ने, तो इंसान खुश होकर इतों जाता है मैं वधिया चंगे काम करके अपनी जिंदगी का जो समा से वधिया बतीत करके चलिया। सो प्रोफेसर साहब भी अपनी जिंदगी का सारा समा बहुत ही वधिया बतीत करके साढ़े पिछों गए ने, जाना हर एक ने रह कोई सकता नहीं, आप अरदास की है सच्चे पातशाह के चरणों में, मैं भी सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती करता हाँ सच्चे पातशाह जिते उस नेक इंसान को अपने चरणों में निवास बख्शो, मगर परिवार को जिते भाणा मनन का बल बख्शो, उत्थे पहला मित्रां चढ़दी कला में रखियो, तकड़े होकर साडे समाज की सेवा करन का बल बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी। साडे बहुत ही सत्कारयोग अंकल जी हरमन प्यारे प्रोफेसर दर्शन सिंह जी सिद्धू साहब जी की अंतम अरदास दे विच शामिल होण आई सारी सत्कार दी संगत दा दिल दीआं गहराइयां चों पठानकोट धन्नवाद करदे हां। सत्कारयोग सिद्धू साहब बहुत ही नेक अच्छी शख्सियत दे मालक निघे सुभाअ दे मालक सन, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत वधिया तरीके दे नाल बतीत की, आदर्श जीवन बतीत किया, इहदे नाल नाल समुचे परिवार नूं समाज नूं अच्छी सेध दित्ती, गुरसिखी जीवन बतीत करन दी प्रेरणा दित्ती, जिथे उन्होंने परिवार प्रति अपन जिम्मेवारियां निभाईयां, दोने बच्चों साढ़े छोटे वीर रवदीप इंजीनियर बनाया,
और साड़ी छोटी भैन संदीप छिट्टी नू डॉक्टर बना के आस्ट्रेलिया विखे सेवा करन दे लई भेजिया। रवदीप अजकल इत्थे अपना बिजनेस मोहाली विखे चला रहा और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी के दौरान एक ऐसे कम किए जिहड़ियां इह भुल जादा बन गईयां। असी उन्हां दी जो परिवार प्रति सेवा है, समाज प्रति सेवा है, मेहनत मशक्कत है और बहुत बड़ा सहयोग सारे विद्यार्थियों नूं सानू खास करके समाज नूं जो उन्होंने दिता है, सिक्ख्या प्रदान की है, मैं उन्हां दी उस सच्ची सेवा नूं सलाम करना और उन्हां दी मेहनत नूं और उन्हां दे प्यार नूं और उन्हां दी देर नूं उन्हां दे परपकारां नूं कदे भी भुला नहीं सकते। सो अज उन्हां दे अकाल चलाने दे नाल जिथे सानू निजी तौर पर साडे समुचे परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया, उत्थे समाज को इलाके को देश के कौम को भी बहुत बड़ा घाटा पिया। सो इस मौके पर जिथे सारी संगत ने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की है, मैं भी गुरु महाराज जी के चरणों के अपने वालों अरदास बेनती करदा कि साढ़े तो पिछड़ी एक बहुत ही नेक रूह नू अपने चरणों में निवास बख्शो, पिछे परिवार को समू रिश्तेदार साहबान भाणा मनण का बल बख्शो ते साडे इस नेक परिवार को पहला वांग ही होर तकड़े होकर समाज की देश के कौम की सेवा करन दा बल बख्शो। इन्हां शब्दों के नाल सारी सत्कार जो संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।